पर्स चाहे कितना भी बड़ा हो पर खर्चा किसमें से होता है? उसी में से होता है। छोटे वाले पर्स में से होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि मैं आज कल कहीं जा रही हूँ। तो हम कहाँ जा रहे हैं आज? तो आज हमारी शादी को हो गया पूरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। मैं बता नहीं क्या बोल रही हूँ। हाँ, हमारी शादी हो गया है पूरा 6 मंथ कंप्लीट। तो बस हम वही जा रहे हैं एंजॉय 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 करने। क्यों, क्या कुछ ज़्यादा खुशी है 6 मंथ कंप्लीट होने की? हाँ थोड़ा बहुत तो है नहीं, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इतनी खुशी नहीं। पर शुरू के कुछ पल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि हर कपल्स आपको बताता है भाई शुरू में क्या दिन थे, ऐसे बताता है ना। तो बस वही होता है और उसके बाद में तो सिर्फ ये रह जाता है बस, 1st month, 2th month, 3th month, 4th month पूरा हो गया 1 year कंप्लीट। तो बस यही होता है। तो हम बस उसी पल को इंजॉय करने जा रहे हैं। कहाँ आपके लिए जो स्टार्टिंग के टाइम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा? जबरदस्त, बिल्कुल मस्त। अच्छा स्टार्टिंग की लाइफ अच्छी होती है या बात की अच्छी होती है? बात की अच्छी होती है, सब पैटर्न आ जाता अपने ऊपर। तो गाइस मेरे पति के अकॉर्डिंग इस बात की लाइफ ज्यादा अच्छी होती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग की ज्यादा बेस्ट होती है। ना कोई जिस नागरिक के ऊपर आएगी वो खुद अपने रास्ते पे चलना सीख जाएगा। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है व्यक्ति पे वैसे वैसे रास्ता, तो उसका एंजॉय करने का जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होता जाता है। बहुत नहीं, एंजॉयमेंट नहीं होता। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाता, सबके बारे में सोचता है फिर नहीं जाता वो कहीं। हाँ ऐसा है, पर मैं जाती हूँ। किसी को भी ले लो अम्मानी पढ़ लो अम्मा। अच्छा उसकी लाइफ अभी अच्छी है ना? अच्छा दादा मैं आपसे पूछूंगी कि आपका क्या सजेशन है शादीशुदा लाइफ के लिए? स्टार्टिंग में अच्छी होती है या फिर बाद में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है? बाद में बेस्ट होती है बहुत ज्यादा। बाद में बेस्ट होती है। तो मेरे पति आपको बताएगी कि लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है या बाद में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। क्या बीत रही है आप पे? बहुत मस्त बीत रही है। सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, सेवा मिलती है, जाता हूँ खाना मिलता है, घूमने को मिलता है, एंजॉयमेंट करने को मिलता है। तो मेरे पति के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग वाली लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद में उसमें पूछा जाता है ना लोगों को, बाद में पूछा नहीं जाता है। नहीं नहीं कोई भी चीज़ है उसको यूज ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद जैसे टीवी को ले लो, नहीं आती तो कितना एक्साइटमेंट होता है लोगों को, और उसके बाद लगी हुई है। सही बात, चला गई फिर उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई कदर नहीं होती स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार, हम जाने के लिए निकल रहे हैं बस अभी। बस कहाँ जा रहे हैं वो हमें कुछ नहीं पता, वो आपको जाके दिखाते हैं। तो चलो जल्दी से आओ, मेरा पर्स रह गया वो तो नहीं चाहिए, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पैसे तो आप ही की जेब से खर्च होने हैं। हमेशा लेडीज का पर्स बहुत बड़ा होता है, पर जो खर्चा होता है ना वो छोटे वाले पर्स में से होता है। पर्स चाहे कितना भी बड़ा हो पर खर्चा किसमें से होता है? उसी में से होता है। छोटे वाले पर्स में से होता है। तो कोई मतलब नहीं है हम पर्स लेके जाए या नहीं लेके जाए। गाइस ये हो रहा है बरेली का मौसम जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। अभी ना कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रखी थी, बट अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो गाइस उसके बाद में हम आ गए अपने रेस्टोरेंट में, तो हमने किया है मोमोज ऑर्डर। बस उसी का वेट कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा आने में। इतना ज्यादा रश हो रखा था यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर देने के बाद भी कम से कम एक एक घंटा यहाँ पे लग रहा था। इतनी ज्यादा बारिश होने के बाद भी लोग बहुत ही ज्यादा आ रहे थे। अरे हमारी तरह ना बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हों बारिश में घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। फिर कह लो जी आ गए हमारे मोमोज और हमने इंजॉय किया। इतनी ज्यादा टेस्टी, सीरियसली गाइस इतनी ज्यादा टेस्टी मोमोज थी ना, मतलब मैंने लाइफ में कभी इतने टेस्टी मोमोज नहीं खाए हैं। जब भी मैं मोमोज खाती थी कुछ ना कुछ कमी रहती थी, कभी मुझे ज्यादा तीखे लगते थे, कभी मुझे ज्यादा ज्यादा नमक लगता था, कम लगता था, मतलब इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं लगता था। और मैंने सारे के सारे 4-5 मोमोज फिनिश कर लिए थे। रेड चटनी एंड ग्रीन चटनी इसके साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ज्यादा टेस्टी थी।
अब जब भी मैं कभी मोमोज खाया करूँगी मैं हमेशा यहीं जाया करूँगी मोमोज खाने के लिए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टेस्टी थे। और रेस्टोरेंट में एक दीदी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती आपके लिए, ऐसा लग रहा था बस चेयर तो गई क्योंकि मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाई। सो गाइस इसके बाद में हम निकल लिए बाहर, और जब बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी, अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम बारिश में निकले या ना निकले, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मन कर रहा था इधर वाला मार्केट देखने के, क्योंकि इधर मार्केट जो लगा हुआ था वो रक्षाबंधन के लिए लगा हुआ था बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में हम आ गए दीनानाथ के रेस्टोरेंट में, और गाइस मोस्टली लोग दीनानाथ का रेस्टोरेंट जानते हैं बरेली में, तो हम बस वहीं आए थे। तो हम आए थे डोसा खाने के लिए, क्योंकि इनका डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, डोसा एंड लस्सी इनकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और दीनानाथ जो भी है वो लस्सी के लिए ही बरेली में फेमस है, और ये अंकल जी ना टिक्की खा रहे थे पता नहीं या कुछ और खा रहे थे, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी, मेरा मन कर रहा था ये भी खा लिया जाए, बट पेट इतना ज़्यादा भर चुका था मोमोज से। और ये मेरे पति अपना ऑर्डर का वेट करते हुए कुछ नहीं उसको घुमा रहे हैं कंटिन्यू, लो जी आ गया हमारा डोसा। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, कम से कम आधा घंटा वेट करने के बाद हमारा डोसा हमें मिला था, और बस हम सोच रहे थे इतना आप खाओगे इतना मैं खाऊंगी, मैं इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। बस फिर क्या हमने डोसा खाया, और हम गाइस ये हो रहा है बरेली का मौसम जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। अभी ना कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रखी थी, बट अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। इस वाली रोड का सही, इस रोड पे ज्यादा कीचड़ वगैरह नहीं है तो इतना महसूस नहीं हो रहा, रोड बहुत अच्छा हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग निकल आए हैं। सो गाइस बारिश अभी थोड़ी सी बंद हो चुकी है और हम लोग निकल आए हैं बाहर डोसा वगैरह खा के, बट इतनी ज़्यादा साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। बस ये बता रही हूँ थोड़ी 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 बारिश हो रही है, बट मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम निकल लिए घर के लिए जल्दी से। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, लव यू ऑल ऑफ यू।